4 अक्टूबर की रात की ये दो तस्वीरें हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के आपत्तिजनक बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए थे। गाजियाबाद के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार रात दासना मंदिर को भी घेर लिया था। गाजियाबाद पुलिस ने रात में हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर लौटा दिया, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई। प्रदर्शनकारी यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी और विवादित बयान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गाजियाबाद के केला भट्टा में भी लोग सड़क पर उतर गए थे। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और काफी देर तक नारेबाजी भी की। इस मामले को लेकर बुलंदशहर में भी हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने जमकर पथराव किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंके, लेकिन संयोग ठीक था कि कोई घायल नहीं हुआ। बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी, कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, कि किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा। पुलिस ने माहौल को कंट्रोल कर लिया, लेकिन यति नरसिम्हानंद के खिलाफ नाराजगी कम नहीं हुई। सुबह होते राजनीति और गर्म हो गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ता गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जाकर धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ये आदमी इतना बदजुबान है, इसने पूरा माहौल खराब किया हुआ, सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद उसे आप प्रोटेक्शन देते हो। समाजवादी पार्टी ने भी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते अगर कोई घटिया हरकत करता है, इस टाइप की कोई टिप्पणी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम सजा हमें बर्दाश्त नहीं है। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ राजस्थान के अजमेर दरगाह थाना में भी FIR दर्ज कराई गई और PM मोदी से इस मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। हम इसके खिलाफ एहतजाज जरूर करेंगे, अगले जुमे को हम अपना संविधान के दायरे में एहतजाज दर्ज करेंगे, हम प्रोसीजन निकालेंगे। इस मामले में AIMIM चीफ ओवैसी ने BJP और UP की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने एक वीडियो में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बकवास और अनाप शनाप लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, BJP इनका साथ दे रही है। आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। इस मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को हिरासत में लेकर गाजियाबाद की पुलिस लाइन में भेज दिया, लेकिन इस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.